सरकार तो बच गई, गहलोत और पायलट का मामला भी सुलट गया, पर इस मामले में सरकार की नाकाबिलियत की वजह से पूरा जयपुर राजस्थान डूबा डूबा हुआ है। पूरा मोहल्ले के मोहल्ले, रोड के रोड कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। उनमें लोग अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, सामान, कूलर ढूंढ रहे हैं, घर का सामान ढूंढ रहे हैं, कहाँ पड़ा है, मिट्टी कीचड़ में कहाँ दबा हुआ है, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, रोड रोड छाना जा रहा है और अब चीज़ों को मिट्टी के अंदर दफन हुए देखते हुए लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और वो समझ नहीं पाए कि सरकार थी तो कहाँ थी, बच गई सरकार पर लोग तो रुल गए हैं और लोग तो मर गए हैं। तूफान से, बाढ़ से नुकसान तो हो गया है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कौन सरकार इनका नुकसान पूरा करेगी, गहलोत करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं, मिट्टी के अंदर, बाढ़ के अंदर जो पीछे गाद बच गई है, मिट्टी पहाड़ से आई हुई बची हुई है, उसकी निकासी कैसे होगी, जन जीवन सामान्य कैसे होगा, अभी तक किसी को समझ नहीं आया। परंतु गहलोत और